नमस्कार साथियों, मैं हूं गेवाराम चौहान और आप देख रहे हैं जीके 24 न्यूज। चलिए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की तरफ। भीनमाल में चल रहे दो दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रशिक्षण का हुआ समापन। परंपरागत खेलों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने पर दिया जोर। नवीन तकनीक के द्वारा शिक्षा पर भी दिया बल। जालौर जिले के भीनमाल में स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में चल रहे दो दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रशिक्षण का समापन हुआ। समापन सत्र का शुभारंभ भगवत दान नरत्नु, जिला सचिव जैसलमेर भैरूपाल सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रवण मोदी, संरक्षक विद्या भारती जोधपुर भंवरलाल कानूनगो, जिला उपाध्यक्ष जालौर अजय गुप्ता, जिला सचिव जालौर एवं नरपत सिंह अरनाय ने सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता नरपत सिंह अरनाय ने कहा कि शिक्षा के अंदर भारतीयता आने पर ही देश का विकास हो सकेगा। विद्यालय में किसी भी विषय को पढ़ाए, लेकिन उसमें भारतीयता के दर्शन होने आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी महत्वपूर्ण है। संस्कार से ही व्यक्ति महान बनता है। मानव को अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ाना चाहिए। शिक्षक को छात्र के वैज्ञानिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास करना चाहिए। विद्यालय में पढ़ने आए हुए छात्र को नर से नारायण बनने का काम आचार्य का है। अच्छी शिक्षा के माध्यम से अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। शिक्षा केवल पेट भरने का साधन नहीं बनना चाहिए। छात्र को तनावग्रस्त होकर नहीं पढ़ना चाहिए। छात्र को खेल खेल में शिक्षा देने का प्रयास, बोधकथा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। जैसलमेर जिला सचिव भगवत दान रत्नु ने इस दौरान कहा कि नवीन तकनीक का प्रयोग सीखने पर बल देना, कंप्यूटर का अधिक से अधिक ज्ञान होना शिक्षक एवं छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इंटरनेट के माध्यम से ज्ञानदायक प्रेरणादायक बातों को अधिक सुनना चाहिए। वहीं इसी दौरान भंवरलाल कानूनगो ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रत्ती राम गुप्ता, प्रमोद दवे, निर्मल सिंह, मनोहर लाल सोलंकी, जितेंद्र भोजक, रंजन पटेल, बीना शर्मा, नितिन ठाकुर सहित कई लोग उपस्थित रहे। व्यक्ति के पास में मोबाइल रहता है, अपनी अपनी सुविधा से, अपनी अपनी इच्छा से उसको जो भी देखना होता है वो देखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं उसी में आदर्श विद्या मंदिर के सारे अध्यापकों को आने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसके लिए दो दिवसीय शिविर भीनमाल शहर में आयोजित किया गया है और उसमें भारत केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, इसकी शिक्षा दी जा रही है। शिशु वाटिका में ECC के अंतर्गत अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से क्रियाकलाप के माध्यम से आनंददायी शिक्षण से जोड़ना है, इन सभी बातों का व्यवहारिक प्रशिक्षण इस कार्यक्रम में दिया जा रहा है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आदर्श विद्या मंदिर द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, उसका मेन उद्देश्य यह है कि जो हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया थी और विश्व गुरु कहा जाता था, तो उसकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा और खोई हुई पहचान है उसको वापस स्थापित करना, और जो शिक्षा नई शिक्षा नीति के द्वारा इनको अपनी जड़ों से जोड़ना, अपनी संस्कृति से जोड़ना, अपने मूल्य और आदर्श से जोड़ना, अपने दर्शन से जोड़ना, ताकि हिंदुस्तान वापस एक मजबूत शक्ति के रूप में, विश्व शक्ति के रूप में उभर सके और देश और दुनिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हम सर्वोच्च स्तर पर पहुँचे। कि जो कुछ है विकास, चाहे सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, औद्योगिक विकास हो, साइंटिफिक विकास हो, सबकी जड़ है वो एजुकेशन है। और जो एजुकेशन काफ़ी टाइम से मैकाले पद्धति के द्वारा जो गुलाम प्रणाली का एजुकेशन था, उससे मुक्त होके हम एक नई शिक्षा व्यवस्था देते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था हमारी जड़ों से, हमारे आदर्श और मूल्यों से जुड़ी हुई है, जिससे भारत का जो पुराना गौरव था, भारत की जो पुरानी कृति थी वो उसको